हाय गाइज, वेलकम टू पाई कोचिंग। और आज 4th मार्च है। 4th मार्च को तीनों शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं एकदम जेन्युइन क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बना रहा हूँ क्वेश्चन। और हाँ, इससे पहले आपको मैं बता दूँ कि मैंने एंटोनिम्स सिनोनिम्स की वीडियो डाल रखी है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और आ रहे हैं। तो करना क्या है आपको, देखना। अगर कल का पेपर है आप तो आप देखने रात में वीडियो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, मगध की पहली कैपिटल क्या थी? ठीक है, तो ये थी राजगिरी। क्या थी? राजगिरी। और सेकंड क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर डांस इज नॉट। देखो बहुत सारे इसमें पूछा गया था जम्मू कश्मीर का कौन सा डांस नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर चारों डांस, रौफ, हिकत और डांडी नाच और दामली, ये चारों कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के हैं। तो मैंने सारे लिख दिए हैं, अब जो भी ऑप्शन उसमें ना रहा हो, जैसे मान लीजिए भांगड़ा है तो इस तरह से ऑप्शन वो लगा देना है कि जम्मू कश्मीर का नहीं है। तो आपको करना क्या है, गवर्नर, CM और डांस, ये देख के जाना वीडियो। अगर आपको नहीं मिल रही है तो मुझे बता दें, मैं ट्रिक वगैरह बता दूंगा। पूछा गया था थर्ड क्वेश्चन कि बुद्ध फोर्थ काउंसिल कहाँ हुई थी, वो कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। क्लियर, कश्मीर में, भूलना नहीं है। और मैं इसकी अगर मैं बात करूं तो मैं बता देता हूं, फर्स्ट जो हुई थी वो राजगिरी में हुई थी और किसने कराई थी? अजात शत्रु में कराई थी। ठीक है, अजात शत्रु ने कराई थी। क्लियर। दूसरी जो काउंसिल हुई थी वो कराई हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। और जो कराई थी वो किसने कराई? कालाशोक ने कराई थी। किसने कराई थी? कालाशोक ने। तीसरी जो काउंसिल हुई थी वो अशोक ने कराई थी और पाटलिपुत्र में कराई थी। किसने? अशोक ने और पाटलिपुत्र में कराई थी। फोर्थ जो है वो है कराई थी कश्मीर में और वो किसने कराई थी? कनिष्का ने, कनिष्का ने कराई थी। क्लियर। और इसमें बोला गया है कि IMF एक्सपेक्टेड GDP ऑफ इंडिया, देखो IMF ने जो GDP थी वो कितनी एक्सपेक्टेड है इंडिया की, वो है 5.1। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसी की भी जो इंडिया की जो है GDP वो 5.5 से ज़्यादा रहनी नहीं है, लगभग लगभग 5 तक रहनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक चेयरमैन, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन थे? देखो मुझे मिल नहीं पाए तो आप देख लेना। क्लियर। और अनटचेबिलिटी आर्टिकल जो होता है वो 17 के लिए है, अनटचेबिलिटी जो है मतलब अस्पृश्यता, आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है। और आर्टिकल 15 से डिस्क्रिमिनेट, यानी किसी को जाति भेदभाव या रंग काला है गोरा है इस बेस पे कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15 कहता है। नेक्स्ट था सिनोनिम पूछा गया था, एक सॉरी idioms पूछा गया था, होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है कुछ ही सिद्ध होना या फिर साबित होना या ट्रू। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट है आपसे ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का idiom पूछा गया, इसका मतलब एक्सपोज करना, उजागर कर देना, जैसे मान लीजिए कोई सीक्रेट होता है उसको एक्सपोज कर देते हैं। एक सिनोनिम पूछा गया था फेरी, फरी का मतलब होता है एंगर या एंग्री या गुस्सा बोल सकते हैं। स्पार्स का मतलब होता है कि जो चीज़ बिखर जाती है ना, लेस डेंस होती है, क्या होती है? कम डेंस होती है, यानी सघन कम होती है, उसको स्पार्स बोल जाए। एक मिस स्पेल्ड पूछा गया था, वो पूछा गया था डिलीवर का स्पेलिंग, तो डिलीवर की स्पेलिंग बहुत आसान है, तो पेपर तो ओवरऑल सरल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, हु इज फॉरन सेक्रेटरी, फॉरन सेक्रेटरी कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, ये 29 जनवरी 2020 में आए हुए हैं, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। तो जितने भी नए अपॉइंटमेंट है उनको भी आप ध्यान रख लें और याद कर लें। नेक्स्ट पूछा गया था 6th आइलैंड डेवलप एजेंसी मीटिंग कहाँ हुई थी, वो कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBC फॉर्म कहाँ होता है, RBC का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है और स्प्लीन में, या स्प्लीन में क्या हो जाता है? इसका एंड होता है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। बहुत सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिपीटेड हैं, वो ध्यान रख लें आप। और हेड ऑफ IMF को पूछा गया था क्रिस्टलियन जॉर्ज गिरा, क्या नाम है ना क्या, क्रिस्टलियन जॉर्ज गिरा हेड जो है IMF की हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ट्विन इंडिया, जैसे कानपुर वगैरह है, कानपुर है और ये अहमदाबाद है, इस टाइप की जो जो वो सिटी होते हैं वो कैसे ट्विन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है गवर्नर है, गवर्नर ऑफ MP लालजी टंडन है, तो गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको रखना है याद। इंद्रधनुष 2.0 ये किसका है? वैक्सीनेशन टू प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो टीकाकरण होता है उनके लिए इंद्रधनुष 2 जिला चलाया गया था, ये हमारा भारत सरकार के द्वारा अभियान। एथेंस ऑफ ईस्ट, एथेंस ऑफ ईस्ट का क्या नाम है या फिर किसे कहते हैं, वो है मदुरई का, ध्यान देना, निक नेम जरूर याद करना, जैसे कि ये है निक नेम ऑफ सूरत, यानी डायमंड सिटी बोला जाता है निक नेम उसको सूरत के लिए। और कर्म युद्ध ग्रंथ किसने लिखी थी, ये लिखी थी अमित शाह ने, किसने लिखी थी? अमित शाह ने। किसके ऊपर है ये? PM मोदी के ऊपर। एक फ्लैग सत्याग्रह कब चलाया गया था, 1923 में नागपुर में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलदीप यादव ने डबल हैट्रिक लगाई थी, ठीक है, क्या है? डबल हैट्रिक लगाई थी, भूलना नहीं है। नेक्स्ट स्पेलिंग पूछी गई थी एनकरेजमेंट की, ENCOURAGEMENT, भूलना नहीं है, बहुत स्पेलिंग भी जो पूछी जा रही है बहुत आसान आसान पूछी जा रही है। एक सिनोनिम एक्नॉलेज का पूछा गया था, इसको हम एक्सेप्ट कहते हैं, एक्नॉलेज का मतलब कुछ ही स्वीकार कर लेना या मान लेना। क्लियर। नीज, जो बी नीज का मतलब होता है गुड पर्सन या फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो अच्छा हो, उसके लिए हम
बी नीज बोल सकते हैं, क्लियर। ईडीएम पूछी गई थी, वन हु लोड्स द अपलोड द पैकेजेस फ्रॉम शिप से बोला गया था, किसे शिप से आया था ये क्वेश्चन, तो इसको बोलते हैं स्टीव डोर, क्लियर। स्टीव डोर का मतलब होता है जहाज कुली, क्लियर। टू थ्रो, नेक्स्ट है टू थ्रो फिट। टू थ्रो फिट का मतलब होता है कि वेरी एंग्री, किसी पर भी मतलब गुस्सा ज़्यादा हो जाना, उसको टू थ्रो फिट बोलते हैं, एक ईडियम है। एक स्पेलिंग पूछी गई थी वेटनरी, वेटनरी आप जानते हो जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसे वेटनरी बोलते हैं, तो स्पेलिंग बी ई टी ई आर आई एन ए आर वाई, क्लियर। स्टम्पीड का सिनोनिम पूछा गया था, स्टम्पीड का सिनोनिम भगदड़ होता है, क्या होता है भगदड़, रा हो गया दड़ होता है, क्लियर। और शिफ्ट तीन के भी देख क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, मुझे जो जो क्वेश्चन मिले हैं एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने यहाँ से बता रहा हूँ ब्लू क्लियर है। इम्प्लोर का मतलब होता है विनती करना किसी से, टू बैग हो जाएगा इसने सिनोनिम। ग्लोरी का ग्लोरियस हो जाएगा, मतलब ग्लोरी बहुत अच्छा होना होता है। विजिलेंट का मतलब चौकन्ना होता है, तो वॉचफुल हो गया। मिस स्पेलिंग आई थी ये पार्टनर की, तो बहुत ही आसान है, इंग्लिश का पेपर तो बहुत आसान है, क्लोज टेस्ट भी आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है। स्पिल द बीन्स, इसका ईडीएम का मतलब होता है ओपन सीक्रेट, क्या होता है किसी चीज़ को बता देना। ब्लो वंस ट्रम्पेट बहुत पुराना है, बहुत बार आता है। अपना राग लापना यानी कि अपनी तारीफ करना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था वन वर्ड में आया था रेटिशेंट। रेटिशेंट का मतलब था साइलेंट, मतलब कम बोलने वाला, और गैरुलस क्या होता है ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, तो रेटिशेंट का मतलब क्या होता है साइलेंट। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि मैंने जो वीडियो बना रखी है वो देख लें, या फिर आपके प्रीवियस ईयर की जितनी भी वोकैब है वो देख के जाएं एक बार, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि वहीं से सारा पेपर आ रहा है। कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, वहाँ जाना है, रिविजन करना है, चाहे वीडियो आप देख लीजिए, और जो भी कन्फ्यूजन आपको दिक्कत है मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं उसका तुरंत सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो करना क्या है, पाई कोचिंग को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।